नमस्कार मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन एम बी बी एस एम डी एम एम एस सी एंडोक्राइनोलॉजी फ्रॉम टेक्सिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम फ्रॉम यूके आज हम एक ऐसा टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है और समझना तो क्योंकि एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिसको पहली बात तो मेरे को लगता है कि क्या बुखार में खटाई खाना चाहिए ऐसी वाली बात हो जाती है ऐसे ही पूछते लोग बाग कि हमको डायबिटीज है हम दारू पिए क्या नहीं पिए डायबिटीज में अल्कोहल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से अल्कोहल तो वैसे भी अगर मैं एक हिंदुस्तानी के रूप में बात करूं तो एक सामाजिक बुराई है मैं पहले सिरे से बोलूंगा कि अल्कोहल नहीं रहना चाहिए लेकिन अब आप पूछेंगे साइंटिफिकली साहब आपका क्या हिसाब है साथ? हाँ मैं साइंटिफिकली फिर आपको बताता हूँ कि भाई अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन क्या बोलता है और डायबिटीज में अल्कोहल का क्या है बेसिकली देखिए अल्कोहल में दो तीन चीज़ें समझना पड़ेगा कि आपका सेवन का क्वांटिटी कितनी है आप उसको 80 आउंस तक ले रहे हैं 80% परसेंट अस्सी आउंस मतलब एक पैक या डेढ़ पैक 90 एम तक तब तक तो मैं कहूँगा सब ठीक है अगर आप 90 एम से ज़्यादा ले रहे हैं तो मैं कहूँगा नहीं अब बिल्कुल ठीक नहीं है शुरुआत में एक्चुअली क्या है कि अल्कोहल में कुछ चीज़ें समझना रहेगा कि अल्कोहल भी एक तरीके से आपकी शुगर को इंक्रीज करता है लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा अल्कोहल लेने से हाइपोग्लाइसीमिया होता है मतलब शुगर कम होती है तो चक्कर आते हैं सिर भारी होता है लेकिन अल्कोहल ओवरऑल जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आपकी हाइपर करता है जब ये क्वांटिटी 180 सौ अस्सी एम एल या एक से ऊपर होने लगती है तो इसलिए डायबिटीज़ में पहली बहुत इंपॉर्टेंट मेरी सलाह है कि 150 से 180 सौ या 120 के ऊपर भी मतलब आप तो आपका कट पॉइंट थोड़ा सा कम ही रखें एक सौ के ऊपर भी अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो हानिकारक है प्लस इससे क्या तकलीफ होगी इससे आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे शुगर का लेवल फ्लक्चुएट होगा और जब शुगर का लेवल फ्लक्चुएट होगा तो तकलीफें होंगी और ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो वो आपकी नसों में जमा होगा और आपको तमाम तरीके की दिल की दिमाग की बीमारियां होने लगेंगी अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि भाई ये डायबिटीज तो है और मुझे पीने की आदत है तो क्या करूँगा सर तो भैया आप एक क्वांटिटी फिक्स कर लें अपनी जैसे आपकी क्वांटिटी आपको जो मैंने क्वांटिटी बताई है एक सीमित क्वांटिटी में लें लेकिन अपनी दवाइयों से कभी ना चूकें प्लस उसके साथ जो आप खाना खाते हैं खाना बराबर से खाइएगा और इसको एक रेगुलर हैबिट में ना रखें और प्लस प्रॉपर एक्सरसाइज करें किडनी और लीवर की प्रॉपरली हर महीने या हर पंद्रह दिन में एक बार अपनी जाँच कराते रहें और विटामिन सप्लीमेंट प्रॉपरली अगर सप्लीमेंट्स प्रॉपरली नहीं लेंगे तो इसका नुकसान और बढ़ता जाएगा लेकिन मैं आज भी कहूँगा कि डायबिटीज़ के साथ ड्रिंकिंग या ड्रिंकिंग ओवरऑल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक है धन्यवाद नमस्कार